हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं कोल्हापुरी चिकन तांबड़ा रस्सा एंड चिकन सुक्का। इसके लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 teaspoon सॉल्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मैं आधे से 1 घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 teaspoon घी। आप चाहो तो ऑयल में भी इसको बना सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 onion जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। इसको मैं सॉटे कर लूँगी। ऑनियंस गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। इसमें मैं ऐड करूंगी मैरिनेटेड चिकन। इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। चिकन अच्छे से भून चुकी है। अब गैस का फ्लेम स्लो करूंगी और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूंगी। 5 मिनट्स हो गए हैं। चिकन को हम चेक कर लेंगे। चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करता है। अब मैं इसमें 4 cups हॉट वाटर ऐड करूंगी। पानी को हमें साइड में गर्म कर लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। फोर कप्स हॉट वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने मैरिनेशन के वक्त 1 teaspoon सॉल्ट ऐड किया था। अब मैं 1/2 teaspoon सॉल्ट और ऐड करूँगी और इसको कवर करके कुक कर लूँगी। हमें चिकन को 90% कुक कर लेना है। जब तक चिकन कुक हो रही है तब तक हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 cup फ्रेश कोकोनट लिया है। 1/2 cup मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। मैंने एक लहसुन ली है। ये अक्खी लहसुन है। 1.5 inch का अदरक का टुकड़ा है। 2 हरी मिर्चें हैं। 3 onions हैं जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 teaspoon खसखस लिया है, 1 teaspoon सफ़ेद तिल लिए हैं और 1 tablespoon सूखा धनिया लिया है। अब मैं इसमें हैंडफुल ऑफ हरा धनिया लिया है। ये भी मैं बाद में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। पहले इन सब चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर ग्राइंड करूँगी। मैंने पैन को हीट करने के लिए रखा है। इसमें 1 to 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी स्लाइस्ड अनियंस। मैंने 3 onions को स्लाइस किया था। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अनियंस थोड़ी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें जो लहसुन था वो ऐड करूँगी। ये पूरा लहसुन है। 1.5 inch का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे भी मैं भून लूँगी। ये भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 cup फ्रेश कोकोनट, 1/2 cup ड्राई कोकोनट। ये भी मैं इसमें ऐड करके इसे भून लूँगी। इसे हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है। कोकोनट भी रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 teaspoon खसखस, 1 teaspoon सफ़ेद तिल और 1 tablespoon अक्खा धनिया। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। हमें स्लो फ्लेम पर इसे अच्छा गोल्डन भून लेना है। ये सब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे भी मैं भून लूंगी और गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन हमारी 90% कुक हो गई है। ये सूप भी रेडी है।
ये चिकन स्टॉक को हम साइड में निकाल लेंगे और चिकन के पीसेस को अलग से निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। चिकन के सभी पीसेस को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन के पीसेस को मैंने इस तरह निकाल लिया है और ये स्टॉक है, ये इसे हम इसी तरह रख लेंगे। अब हम ग्रेवी के प्रिपरेशन करेंगे। जो मिक्सचर मैंने ठंडा किया था उसको मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं हैंडफुल ऑफ हरा धनिया डालूंगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है इसमें। फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। चिकन स्टॉक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ज़्यादा वाला ये मैंने तांबड़े रस्से के लिए निकाला है और मैंने 1 कप जितना चिकन सुखे के लिए निकाला है। अब मैं ग्रेवी प्रिपेयर करूँगी। तांबड़ा रस्सा बनाने के लिए एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़ा स्पाइसी और ऑयल भी ज़्यादा होती है इस ग्रेवी में। आप चाहो तो इसे कम ऑयल में बना सकते हो। इसमें मैं 2 तेज़पत्ता ऐड करूँगी, 1 अनियन ऐड करूँगी और इसको सॉटे कर लूँगी। इस तरह का कांदा लहसुन मसाला मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ये यूज़ कर सकते हो। या अगर आपके घर में कांदा लहसुन मसाला होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जो लहसुन की चटनी जो मार्केट में मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मसाला इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अनियंस हमारे फ्राई हो गए हैं। इसमें मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। मेरी बेड़की लाल मिर्च की पाउडर है, आप चाहो तो कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है उससे। मैं इसमें 1 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला एवरेस्ट ब्रांड का यूज़ कर लूँगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था उसमें से 3 बड़े चम्मच मैं इसमें यूज़ कर लूँगी और बाकी का मसाला मैंने चिकन सुखे के लिए रख लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप और रेड कलर चाहते हो तो आप कश्मीरी रेड चिलीज़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने स्पाइसी रखा है इसलिए मैंने बेड़की मिर्चों का ही पाउडर यूज़ किया है। मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो ज़्यादा स्टॉक जो मैंने निकाला था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहो तो चिकन के कुछ पीसेस इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप सुक्का नहीं बनाना चाहते हो तो पूरी ग्रेवी भी इस तरह बना सकते हो, या फिर थोड़े से पीसेस आप इसमें डाल के ये रस्सा बना सकते हो। इसको मैं कवर करके बॉईल आने दूंगी। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। कांदा लहसुन मसाला में भी सॉल्ट होता है। इसमें मैं कुछ चिकन के पीसेस ऐड करती हूं। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो और सभी पीसेस आप सुखे में यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़े पीसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट कुक कर लूँगी। तब तक मैं सुक्के की तैयारी कर लूँगी। मैंने एक पैन को हीट किया है, इसमें मैं 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पत्ते, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अनियंस को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अनियंस हमारे गोल्डन हो गए हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला। मैंने एवरेस्ट ब्रांड का यूज़ किया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी जो रिमेनिंग पेस्ट था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने रस्से में ऐड किया है और बाकी का रिमेनिंग मैं सभी इसमें ऐड कर लूँगी। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी।
मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और जो चिकन के पीसेस मैंने निकाले थे वो मैं सब पीसेस इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो 1 कप स्टॉक मैंने बचाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके कुक कर लूंगी। अब गैस का फ्लेम स्लो करके हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सुक्का हमारा बनकर रेडी है। इसमें आप चाहो तो 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लें। गैस का फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी। तांबड़ा रस्सा भी हमारा बनकर रेडी है, आप देख सकते हो। इसमें भी आप चाहो तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करूँगी और सर्व करूँगी। मेरा कोल्हापुरी तांबड़ा रस्सा और सुक्का बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।